कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय सियाराम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करें कि प्रत्येक महीने में दो एकादशियां पड़ती हैं। इस बार पौष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है यह 19 दिसंबर को पड़ रही है और इस एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जानते हैं। तो आज हम आपसे बात करते हैं कि संसार में समस्त प्रकार के पापों को दूर करने के लिए भगवान विष्णु की इस पवित्र एकादशी का जो व्यक्ति पारण करते हैं, जो व्रत करते हैं, भगवान विष्णु उनके समस्त प्रकार के दोषों को, दुखों को, उनकी समस्याओं को दूर कर देते हैं। तो 19 दिसंबर को पड़ रही है सफला एकादशी, क्या है इसका मुहूर्त, इस विषय पर करते हैं चर्चा। सफला एकादशी जो 2022 में दिसंबर के महीने में 19 तारीख को पौष के महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी सफला एकादशी के नाम से जानते हैं, 19 दिसंबर 2022 को प्रातःकाल 3:32 से यह एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और 20 दिसंबर 2022 को सुबह 2:32 पर यह एकादशी पूर्ण हो जाएगी। उदया तिथि को देखते हुए इस साल सफला एकादशी का पावन पर्व हम लोग 19 दिसंबर को ही मनाएंगे। सफला एकादशी के व्रत का जो पारायण का समय है उसकी हम बात करें तो 20 दिसंबर को सुबह 8:05 से लेकर के और 9:13 के बीच में हमको पारायण भी करना है। सफला एकादशी के अगर हम महत्व की बात करें तो शास्त्रों के अनुसार सफला एकादशी के दिन व्रत भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का सच्चे मन से पूजन करते हैं, भगवान विष्णु उनको अपने वैकुंठ लोक की प्राप्ति कराते हैं। और सफला एकादशी के विषय में अगर हम बात करें तो आज के दिन हमको चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, भगवान विष्णु को लाल पुष्प समर्पित करने चाहिए, उनका अभिषेक करना चाहिए, रात्रि में जागरण इत्यादि करना चाहिए और द्वादशी तिथि से पूर्व में ही, मतलब द्वादशी तिथि को हमको पारायण भी कर लेना चाहिए। तो सफला एकादशी का व्रत हम किस तरह से करें, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी पूजा पाठ के अनुष्ठान के विषय में चर्चा करनी है, बात करनी है, गृह प्रवेश, काल सर्पदोष, श्रीमद् भागवत कथा, पितरों की आत्मा की शांति के लिए भागवत जी की कथा विशेष फलदायी होती है। आप अपने घर पर भी भागवत जी की कथा करा सकते हैं, अपने पितरों के नाम से कथा को करा सकते हैं। आप हमसे संपर्क करिएगा, पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय माँ गंगे।